उन्हें माफ कर दीजिए। अंकल आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अब सिमरन 20-22 साल की बच्ची नहीं है। लेकिन नेहा अलग होने के बाद फिर रिश्ते वैसे रह भी नहीं जाते। पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, परसों मिले हम। आई होप इट्स नॉट टू लेट। अगर हो सके तो माफ कर दो उसे, जाने दो। I'm really very sorry. I forgive you. Thank you. Thanks, Abhi. मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत हिम्मत का काम किया तुमने, मालूम का सामना करके उसको माफ करके। हाँ, लेकिन शायद मैं मनु से कभी नहीं मिलती। उसे ना माफ करने का बर्डन सारी जिंदगी मेरे सिर पर रहता। बट आई एम ऑनेस्टली फीलिंग मच बेटर नाउ। बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे सिर से। मनु को ना माफ करके खुद को भी कम तकलीफ नहीं दे रही थी मैं भी। थैंक्स अ लॉट। तकलीफ देने वाली हर वजह, हर बात काश हम लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल दूर कर सकते, लेकिन होता नहीं है ऐसा। कितना अच्छा हो सिमरन अगर जिंदगी के कुछ वाकये, कुछ ऐसी बातें जो कि हमें परेशान करती हैं, उनको डिलीट कर दिया जाए। उनको डिलीट करके फिर एक नई शुरुआत की जाए। अभी रिश्ता जब टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, जुड़ सकता नहीं, क्योंकि जाने अनजाने में बीते हुए पल सामने आ ही जाते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करूं या घर जाओगी? आइडियली ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, किसी और ड्राइविंग माई का। ओह यस। पानी रखा? बेबी सो गई ना? कुछ कहना है? भाई गुस्सा नहीं करना, पर मेरे को काय लगता है ना, वो अपने अभिमन्यु साहब है ना, अभी बहुत बदल गए हैं। तुमको पण ऐसा लगता है ना? है ना? आणखीन मेरे को लगता है कि वो उनको ना वापस आने का है। देखो मेरे से झूठ नहीं बोलने का, तुमको काय लगता है? भाई अभी पॉसिबल नहीं है शगुना। एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए फिर से किसी को प्यार करने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है।
और अब मुझ में हिम्मत नहीं है और ना ही हिम्मत मुझसे ही नहीं होगा। मेरे साथ ही रहो, ये कॉन्फिडेंस हमेशा ही रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा मिस्टर रोमांटिक। सिमरन उठ गई क्या? अभी छूटी, मैंने अभी चाय दिया। अभी इतने देर से सोएगी तो देर से उठेगी ना। देर से सोई वो क्यों? काय मालूम, भाई का मूड मालूम है ना, कुछ बोलती नहीं। मेरी बातें हो रही हैं? हां, आप किस तारीफ कर रही थी ना मैं? आतिया मैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। क्या बात है, आज बहुत देर से उठी? हां पापा, आई वाज रीडिंग दिस बुक। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अभी ने बर्थडे पर दी थी मुझे। यू नो, ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया तो छोड़ ही नहीं पाई मैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार मैं खत्म कर लूं फिर आप पढ़ना। हेलो। हाय अभी। हाय सिमरन, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस गिफ्ट। कौन से गिफ्ट की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुमने मुझे बर्थडे पर ये किताब गिफ्ट की थी। हाँ, या राइट। अचानक कैसे याद आ गई उसकी? इतने दिनों से वक्त ही नहीं मिला, अभी कल रात को ही पढ़ना शुरू किया। इट्स रियली एन अमेजिंग बुक। अरसा हो गया इतनी अच्छी किताब पढ़े हुए। आई नो इन फैक्ट मैंने पढ़ी वो खुद भी। ऑनेस्टली केस हिस्ट्रीज मैंने इतनी पढ़ी है, मगर इस केस में माई गॉड, द ऑथर्स रिसर्च एंड इंटरेस्ट, द वे ही इज डिस्क्राइब लाइफ बीइंग अ बूमरैंग, इतनी डिटेल स्टडी कभी नहीं देखी मैंने। या नहीं, थैंक्स अ लॉट। ये लो सर, आपका नाश्ता स्पेशल। थैंक यू सगना। भाई भाई, नाश्ता। सिमरन, देखा अभी मेरे को लेट हो गया होता ना नाश्ता बनाने को, तो भाई बहुत चिल्लाती मेरे को। अभी खुद देखो, अभी मंजू साहब से कितनी देर फोन पे बात कर रही है, तब उसको लेट नहीं होता है। साहब काय पण बोला, अभी मंजू साहब अभी एकदम बदल गए ना, एकदम मतलब मेरे को लगता है बदल गए, आपको नहीं लगता होगा? कुत्ते। हाँ? कुत्ते की दुम 12 साल तक लोहे की नली के अंदर रखो, बाहर निकालो टेढ़ी की टेढ़ी होती। करेक्ट, मेरे को भी ऐसे लगता है, टेढ़ी ची रहती है। क्या बात हो रही है? कुत्ते की दुम। नहीं, मैं नाश्ता रेडी करूँ ना, मैं इसको नाश्ता कराती हूँ। चलो चलो, पला पला पला। शगना सो फनी। जब तुम सिंगापुर में थी, नेहा आई थी यहाँ मुझसे मिलने के लिए। मैंने उसे कहा था पापा, शी वॉज वरीड अबाउट अभी, और उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि अभी सिंगापुर में, इसलिए मैंने कहा कि आपसे आके बात करें। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। शी इज वेरी स्वीट। हाँ, बहुत ही शरीफ लड़की, वेरी इनोसेंट। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि
अभिमन्यु जैसे लड़के पर बिल्कुल भरोसा मत करें। वो बहुत ही धोखेबाज, बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल किस्म का आदमी है। और वाह पापा, आपको ये सब नेहा से कहने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत मतलब, जो उसने तुम्हारे साथ किया मैं नहीं चाहता किसी और लड़की के साथ करे। That is so insensitive, पापा। पापा, आपको अभी पसंद नहीं है तो ठीक है ना, लेकिन अभी के दोस्तों से ये सब कहने की क्या जरूरत है? आपको कोई हक नहीं बनता पापा। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने। अब तुम्हारे लिए तो मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद होने दूं? क्या मैं जानता नहीं हूँ उस लड़के को? Just can't believe this, Papa. You are so so impossible. क्या होता जा रहा है आपको? What do you mean? क्या होता जा रहा है? नाश्ता, सिमरन। मुझे क्या होता जा रहा है? तुम्हें क्या होता जा रहा है सिमरन? सिमरन, 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 सुनो, देखो, पापा की बात को लेके परेशान मत हो। वो गुस्से में कह जाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनका मतलब वही हो। लेकिन अभी पापा को नेहा से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? नेहा ने सिर्फ इतना जानने के लिए फोन किया था कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, and that's it. I mean, why did these parents can be so embarrassing sometimes, I tell you. ये समझने की कोशिश करो कि ये जो पेरेंट्स वाला एटीट्यूड है ना, ये तो अब हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। Like after all, just imagine कि अगर तुम्हारी जगह आस्था होती और तुम्हारे पापा की जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। And you know something? I actually take a lot of inspiration from your father. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अगर मैं बन सका तो उन जैसा मुझे फादर बनना चाहिए। I think he is great. अभी? मुझे पता है तुम्हें इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। But honestly, he is my role model. Seriously, he is. Okay, मैं मान लेती हूँ। Good. अच्छा अब ये बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? क्या? अरे नेहा के बारे में बाबा, तुमने मुझे बताना था ना किसी डिसीजन पे पहुंचे या नहीं। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू देयर? नहीं, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने, सुन रहा। व्हाई अभी? ओके बाबा, अच्छी तरह से सोच लो फिर मुझे बता देना। ओके बाय। चलो नाइस, यू सीम टू बी इन अ गुड मूड। आई वाज एक्सपेक्टिंग टू यू बी इन सम काइंड ऑफ अ बैड डल मूड। इन दैट केस आई हैव डिसअपॉइंटेड यू। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा अच्छा लग रहा है, वरना कल जो हुआ उसके बाद तो। कल क्या हुआ था? कल That's it. I like it. That's the spirit. वरना अंकल तो कल बड़ा घबरा गए थे, कह रहे थे जाओ उसको संभालो, उसको देखो, पता नहीं। मुझे उनसे कहना पड़ा, अंकल आपने बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है सिमरन को, बच्ची नहीं है, अपना देख लेगी, संभाल लेगी अपने आप। ऐसा कहा पापा से? हाँ ऐसा ही कुछ, अब मैं कहा तो था, अब थोड़ा तो ऊपर नीचे हो जाता है। This is what I like about you. Your honesty. इसलिए तो हमारी दोस्ती टिकी हुई है आज तक। नहीं, इस दोस्ती का क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, तुम भी ऑनेस्ट हो तो ईमानदारी से बताओ आज इतने खुश क्यों हो? अरे परेशान रहूं तो सवाल करते हो, खुश रहूं तो सवाल करते हो। नो, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू अगेन, आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी लाइट। मनु को माफ करके। तुमने बात की उससे? उसके घर गई थी। अचानक कैसे? एक्चुअली अभी के फोर्स करने पर गई थी, वो ही ले गए थे मुझे वहाँ। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू हिम मानस, अभी ने ही मुझे कहा और मुझे भी लगा कि ऐसे दिल पर बोझ रखकर कोई फायदा नहीं। या अभी इज मैच्योर्ड क्वाइट अ लॉट। आई एम टेलिंग यू, ही इज नॉट द सेम अभी, ही इज सो मैच्योर, सो रिस्पॉन्सिबल। अब वो इतना इंपेशेंट नहीं है, बात बात पर झगड़ते नहीं है, ही इज रियली। एक 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 मिनट, एक मिनट, आर यू फॉलिंग इन लव विद हिम अगेन? आर यू जोकिंग मानस? ओह प्लीज, ये भी कोई उम्र है मेरी फिर से प्यार में पड़ने की? नहीं, बस यूं पूछ लिया
क्योंकि आज तुम जिस तरह बात कर रही हो, मैंने इस तरह तुम्हें कॉलेज में भी बात करते हुए नहीं सुना। आई वॉज ओनली प्रेजिंग हिम, और मुझे नहीं लगता किसी की तारीफ करने का ये मतलब हुआ दैट यू लव हिम। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और ये जो प्यार में पड़ने वाली बात है, वो तो किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं। चलो, कहती हो तो मान लेते हैं। सो काइंड ऑफ यू। आर यू फॉलिंग इन लव विद हिम अगेन? और ये जो प्यार में पड़ने वाली बात है, वो तो किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि वो उनको ना वापस आने का। यस, आई एम फॉलिंग इन लव विद अभी अगेन। तो इसमें गलत क्या है? मेरे दिल से अभी के लिए प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ था, जो फिर से शुरू होगा। एंड ही हैज चेंज सो मच। कितना बदल गए हैं वो। ही हैज बिकम सो मैच्योर। अभिमन्यु मैच्योर हो गए? I'm sorry to say that. लेकिन ये तुम्हारा बचपना है। कुछ बदला बदला नहीं है, सिर्फ मीठी मीठी बातें करने सीख गया है। और तुम उसके बहकावे में आ रही, तुम्हें होता क्या जा रहा है सिमरन? पापा ठीक कह रहे हैं, मैं मानती हूँ कि अभी बदल गए हैं, लेकिन जो धोखा उन्होंने आपको दिया है वो आप कैसे भूल सकती हैं? गलतियाँ किससे नहीं होती बच्चा, लेकिन अभी को अपने किए की सजा मिल चुकी है। पछतावा है उन्हें। डॉक्टर जोशी को भी हुआ था, लेकिन आपने उन्हें माफ नहीं किया, तो फिर अभी को क्यों? अभी आस्था फादर बने हैं, और मैं नहीं चाहती कि आस्था बड़ी होकर मुझसे कोई शिकायत करे। मैं भी तुमको बोली थी ना, बच्ची का उम्र देख के सब कुछ भूल जाने का, लेकिन तुम क्या बोली? मैं अकेले आस्था को पालेगी, बोली थी ना? मैंने कहा था जो, लेकिन तू ही मुझे बता, अभी कितना प्यार करते हैं आस्था से। क्या मेरा हक बनता है कि रास्ते से उसके पापा के प्यार को छीन लूं? जब मैंने तुमसे कहा था कि सिमरन मेरी अभी की जिंदगी में दोबारा वापस आ जाओ, तो तुमने ये कह के साफ मना कर दिया था। बहुत देर हो गई मम्मी जी। देर तो हो चुकी थी मम्मी जी, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं कही। फिर वापस उस बारे में क्यों सोच रही हो सिमरन? टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश बेकार है। पापा जी, please let me try. इतनी अजीब बात है। आज तक आप सब, except पापा, सब मुझे यही कहते रहे कि मैं अभी की सारी गलतियां भूल जाऊं और उन्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आऊं। और आज पापा जी, आज आप सब क्यों वाए? Come on, grow up, Simran. वो सिर्फ इसलिए कि तुमने ये कहा था कि तुम्हारे दिल में अभिमन्यु के लिए कोई जगह नहीं, और अब तुमने अपनी सोच बदल दी। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस तरह से तुम अपनी सोच बदलती रहो, जब चाहो तब तो लोग भी अपनी सोच बदल लें, क्योंकि वो तुम्हें सूट करता है। ऑलराइट, सबकी बात नहीं करती मानस, बट व्हाट अबाउट यू? तुम्हें नहीं पूछा था ना मुझसे, आई एम फॉलिंग इन लव विद अ बी अगेन? वो सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी तारीफ करते थकती नहीं। लेकिन तुमने उस बात का जवाब क्या दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? चाहती क्या हो तुम? Why you so confused? And if you ask me, वो लड़का तुम्हारे लायक न था न है। सब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? No, it's not possible now. मैं उन सब का, इतने सवालों का सामना कैसे करूं? नहीं कर पाऊंगी मैं। नो, बट कैन आई फॉरगेट? अभी को बुला पाऊंगी मैं?